बीजेपी तो हमेशा चुनावी मोड में रहती है, हर साल कोई ना कोई चुनाव होते हैं इस देश में, तो भाजपा की तो एक परंपरा बन गई है चुनाव में लड़ने की, और लड़ती है और अच्छा निर्णय भी आता है, पक्ष में आता है, जनता देख रही है पिछले 8 साल में भाजपा ने कितने काम करे हैं। मुझे याद है 2018 में एक छोटी सी बच्ची मेरे पास आई, मैं मोहल्ले में खड़ा हुआ था प्रवेश विहार में, उसने मेरा हाथ पकड़ा और मुझसे कहती है, छोटी सी होगी 5 या 6 साल की, कि अंकल हमारी सड़क बनवा दो, मुझे स्कूल जाने में दिक्कत होती है और जब बरसात हो जाती है तो हमें छुट्टी करनी पड़ती है। मुझे छोटी सी गुड़िया की बात बहुत याद रही और मैंने सबसे पहले उसकी सड़क बनाई। मेरे प्रवेश विहार में पानी की एक बहुत बड़ी समस्या थी, वहाँ के लोगों ने मुझे बताया कि रात को 3 बजे का अलार्म लगा के सोते थे और उठकर पानी भरते थे पूरे दिन भर का मोटर चलाकर, उसके बाद 6-7 बजे के बाद पानी नहीं आता था वहाँ पर। तो मैंने वहाँ पर 2 बड़े समरसेबल लगाए 10 HP वाले। आज जो रूटीन नगर निगम का पानी सप्लाई का है, उस पानी सप्लाई के हिसाब से भरपूर पानी है वहाँ पर, अब पानी की समस्या वहाँ नहीं है। वार्ड में एक हमारा जो बड़ी समस्या है वो मैं चाहता हूँ कि वहाँ आजीवन समस्या को ख़त्म हो जाए, मैं एक ट्यूबवेल लगवाना चाहता हूँ जिसे पानी की समस्या, अभी कई बार ऐसा होता है कि समर सेविल ख़राब हो गया, उसे रिपेयर करने में 1-2 दिन लग जाते हैं कई बार, तो वो 2-1 दिन के लिए बड़ी समस्या हो जाती है ख़ास तौर से गर्मियों में। तो मेरी कोशिश है, मेरी पाइपलाइन में है कि बहुत जल्द मैं प्रवेश विहार रामापुरम सरदार पटेल नगर वसुंधरा कॉलोनी के लिए एक बड़ी ट्यूबवेल लगवा पाऊँ। निकाय चुनाव को लेकर NTV ने की वार्ड नंबर 63 से BJP पार्षद अनुज वशिष्ठ से खास बातचीत। मेरठ में नगर निकाय चुनाव की भले ही अभी डेट फिक्स नहीं हुई हो, लेकिन नगर निकाय चुनाव की सुगबुगाहट सत्ता के गलियारों में बखूबी देखी जा रही है। मेरठ में नगर निकाय चुनाव को लेकर जिला प्रशासन हर स्तर पर तैयारियों को लेकर अंतिम रूप देने में जुटा है। निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार मतदाताओं की संख्या के अनुसार मतदेय स्थलों की संख्या बढ़ाने के मंथन शुरू कर दिया है। अधिकारी मतदाता सूची का अवलोकन कर ऐसे मतदाता केंद्रों को चयनित कर रहे हैं जहां मतदाताओं की संख्या में अधिक वृद्धि हुई है। बता दें कि नियमानुसार 1500 से अधिक मतदाता संख्या वाले मतदान केंद्रों पर मतदेय स्थलों की संख्या बढ़ाई जाएगी। इसी क्रम में BJP सहित सभी दलों ने अपनी कमर कस ली है, अंदर ही अंदर नगर निकाय चुनाव की तैयारियों में जुट गए हैं। हमने इसी क्रम में बात की वार्ड नंबर 63 के पार्षद अनुज वशिष्ठ से। अनुज वशिष्ठ ने बताया कि BJP हमेशा चुनावी मूड में रहती है और चुनाव के लिए हमेशा तैयार रहती है, जिसके लिए BJP को अच्छे परिणाम भी आते हैं, देश देख रहा है। BJP तो हमेशा चुनावी मोड में रहती है, हर साल कोई ना कोई चुनाव होते हैं इस देश में, तो भाजपा की तो एक परंपरा बन गई है चुनाव में लड़ने की, और लड़ती है और अच्छा निर्णय भी आता है, पक्ष में आता है, जनता देख रही है पिछले 8 साल में भाजपा ने कितने काम करे हैं, और उसको देखते हुए भाजपा को जनता पसंद कर रही है, जनता चुनाव में उनको वोट देती है भाजपा के प्रत्याशियों को, और जिताकर अपने अपने सदरों में भेजती है। बातचीत के दौरान पार्षद अनुज वशिष्ठ ने बताया कि जब वो शपथ ग्रहण कर वार्ड के अंदर पहुंचे तो सबसे पहले उन्होंने देखा कि वार्ड की सड़कों का हाल बहुत बुरा है, वार्ड को ज़रूरत है सड़क तत्काल बनवाई जाए जिससे आम जनमानस को किसी भी प्रकार की असुविधा ना हो। उसके लिए उन्होंने बताया कि प्रवेश विहार में मुख्य समस्या पानी की भी थी, लोग रात को 3 बजे उठकर पानी भरा करते थे। मेरे वार्ड में मैंने कार्य बहुत करे हैं, गिनाने के लिए तो बहुत कार्य हैं, लेकिन प्रमुख मैं कुछ आपको बता देता हूँ। जैसे मेरे यहाँ एक प्रवेश विहार कॉलोनी है जो अब से 2017 से पहले वहाँ पर बिल्कुल कच्ची सड़कें थीं, जल निकासी के लिए नालियाँ नहीं थीं, सड़कों पर चलने के लिए सड़क ही नहीं थी, वहाँ के जो बच्चे स्कूल जाते थे वो बेचारे पानी भरा रहता था, पानी में जाते थे। जब मैं अपने प्रचार में गया तो मुझे खुद लगा कि यार यहाँ के लोग कैसे रह रहे हैं, तो मुझे उसकी चिंता हुई, तभी मैंने प्रण किया कि अगर मैं चुनाव जीत कर आता हूँ तो सबसे पहले इस कॉलोनी को सुधारूंगा, इस कॉलोनी की जो मूल समस्याएं हैं भाई सड़क नाली पानी ये चीज़ें होनी चाहिए हर एक कॉलोनी में, तो मैंने उसके लिए काम किया। ईश्वर के आशीर्वाद से लगभग 45 छोटी और बड़ी 45 सड़कें मैंने प्रवेश विहार की, रामापुरम की, सरदार पटेल नगर की, वसुंधरा कॉलोनी की बनाई,
नालियाँ बनाई। नालियाँ लगभग सभी गलियों में बनी हैं, सभी गलियों में इंटरलॉकिंग टाइल्स से काम हुआ है। मुझे याद है 2018 में एक छोटी सी बच्ची मेरे पास आई, मैं मोहल्ले में खड़ा हुआ था प्रवेश यार में, उसने मेरा हाथ पकड़ा और मुझसे कहती है, छोटी सी होगी 5 या 6 साल की, कि अंकल हमारी सड़क बनवा दो, मुझे स्कूल जाने में दिक्कत होती है और जब बरसात हो जाती है तो हमें छुट्टी करनी पड़ती है। मुझे छोटी सी गुड़िया की बात बहुत याद रही और मैंने सबसे पहले उसकी सड़क बनाई। तो ऐसे बहुत सारे काम करे। प्रवेश विहार में पानी की एक बहुत बड़ी समस्या थी। वहाँ के लोगों ने मुझे बताया कि रात को 3 बजे का अलार्म लगा के सोते थे और उठकर पानी भरते थे पूरे दिन भर का मोटर चलाकर। उसके बाद 6-7 बजे के बाद पानी नहीं आता था वहाँ पर। तो मैंने वहाँ पर 2 बड़े समरसेबल लगाए 10 HP वाले। आज जो रूटीन नगर निगम का पानी सप्लाई का है, उस पानी सप्लाई के हिसाब से भरपूर पानी है वहाँ पर। अब पानी की समस्या वहाँ नहीं है। इसी प्रकार सड़कें, नाली, पानी, ये जो मूल समस्याएं थी वो कोशिश करी है काफ़ी हद तक दूर करने के लिए, लेकिन आगे भी प्रयास करता रहूँगा। अगर अगली बार जनता ने मुझे अपना आशीर्वाद दिया तो जो और समस्याएं मेरी निगाह में बची हुई पाइपलाइन में है वो बहुत जल्द ख़त्म कर दूँ। नगर निगम पार्षदों की जब भी कोई मीटिंग टाउन हॉल में आयोजित होती है तो उसमें हमेशा हंगामे की स्थिति को देखना मिलता है। जब इस सवाल को पार्षद अनुज वशिष्ठ से किया गया तो उन्होंने बताया कि हंगामे का मुख्य कारण बैठकों का देरी से होना है। जो बैठक हर महीने या 1-2 महीने में होनी चाहिए वो बैठक 10-10 महीने में होती है। अगर लगातार बैठकें सुचारू रूप से होती हों तो हंगामा कभी भी नहीं होगा। देखिए, एक तो सबसे बड़ी बात है कि हंगामा होने की जो बात है वो इसलिए होता है हंगामा कि बैठकें सुचारू रूप से नहीं हो पाती हैं। नियम के तहत बात करें तो हर 1 महीने में कार्यकारिणी की बैठक होनी चाहिए और हर 2 महीने में बोर्ड की बैठक होनी चाहिए। यहाँ उल्टा हिसाब होता है, साल में 1 बार बोर्ड की बैठक होती है, 6-6 महीने 8-8 महीने कार्यकारिणी की बैठक नहीं होती है। और जब कभी किसी काम में लंबा गैप हो जाएगा तो समस्या उत्पन्न होगी। हम 90 पार्षद हैं, 10 नॉमिनेटेड पार्षद हैं। जनता ने हमें बड़ी उम्मीद से चुनकर भेजा है नगर निगम में कि हम उनकी समस्याओं को उठाएंगे और उनकी समस्याओं का निस्तारण करेंगे। लेकिन 10-10 महीने में जब मीटिंग होगी तो स्वाभाविक है कि 10 महीने के जो कामकाज है, 10 महीने की जो समस्या है, वो इतना बड़ा अंबार लग जाता है कि वो हम सबको वहाँ पर चिल्ला चिल्ला के अधिकारियों को बताना पड़ता है। कभी झगड़ा नहीं हुआ आपसी पार्षदों में, अच्छे से रहा है। लेकिन अपने अपने वार्डों की बात करते हैं तो थोड़ा सा ये रहता है कि पहले मेरी सुन लें, तो इस वजह से ऐसा लगता है कि हंगामा हुआ है। लेकिन जब कभी भी ऊंची आवाज़ में निगम पार्षदों को बात करनी पड़ी तो उसका प्रमुख कारण नगर निगम की व्यवस्थाएं रही हैं। अब से पहले हमने अनेकों बार लिख के भी दिया, वर्बली भी कहा कि यहाँ का माइक सिस्टम ठीक नहीं है। वो माइक सिस्टम की वजह से हमें चिल्ला चिल्ला कर बोलना पड़ता था। लेकिन इस बार की बैठक, जो बोर्ड की बैठक अभी 19 तारीख में हुई थी, तो नगर आयुक्त साहब ने 16 नए माइक मंगवाए, सारी व्यवस्था ठीक करी। तो आपने अब की बार देखा होगा कि हाउल्ला न्यू और शहर की विकास के लिए, जनता के विकास के लिए हम सब पार्षदों ने मिलकर बात करी। महापौर सुनीता वर्मा जब महापौर चुनकर मेरठ नगर निगम आई तब वह बसपा में थी, लेकिन अब वह उन्होंने पार्टी बदलकर सपा ज्वाइन कर ली है। पार्षद अनुज वशिष्ठ से जब हमने सवाल किया कि महापौर विपक्षी पार्टी से है, क्या बीजेपी पार्षदों को काम करने या करवाने में कोई समस्या तो नहीं आती, तो उन्होंने बड़े ही बेबाकी से जवाब दिया कि बीजेपी के पार्षद खुद में सक्षम हैं और पूर्णतः स्वतंत्र भी। बीजेपी के पार्षद इतने सक्षम हैं अपने आप में कि किसी की आवश्यकता नहीं पड़ती, हम अपना काम करा लेते हैं। बीजेपी के संस्कार हैं कि कभी भी कोई व्यक्ति हाउल्ला करके अपना काम नहीं कराता, शालीनता से अपना काम करा लेते हैं हम लोग। हमें कभी कोई दिक्कत नहीं आई, महापौर जी से कभी कोई दिक्कत नहीं आई वैसे, लेकिन हमारे कभी ज़रूरत और आवश्यकता भी नहीं पड़ेगी कि महापौर के पास जाएँ और उनसे अपना काम कराएँ। हम अपना काम खुद करा लेते, इतने सक्षम हम हैं। निकाय चुनाव को लेकर देश की जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं शहर की जनता को सिर्फ इतना ही संदेश देना चाहता हूं कि बढ़ चढ़कर वोट करें। जब चुनाव आएगा कैंडिडेट को देखें, परखें और सही तरीके से उसे चुनें, क्योंकि जो जनता चुनकर भेजती है, जनता को उम्मीद बहुत होती है कि वो हमारा कुछ भला करेगा, शहर के विकास के लिए कुछ सोचेंगे करेंगे। तो ऐसे ही लोगों को चुनकर भेजें जो शहर के विकास के लिए आगे आएँ, और मेयर को भी ऐसे कुछ चुनकर भेजें जो पढ़े लिखे हों, शिक्षित हों और अपना शहर की
समाज की समस्याओं को सामने लेकर आएँ और उस पर काम कराएँ और अपने वायदों को जो भी वादे करें उनको पूरा करें। ऐसे लोगों को शहर की जनता को चुनना चाहिए।